हाय, माय नेम इज अमनदा और यू आर वाचिंग एच फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे हम सफर देखते हैं, आज कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखेंगे आज? लास्ट तक बनी रहिए, तभी तो आपको पता लगेगा कि हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए ये दोनों तो वॉल्यूम स्विच है, आपको पता है हमने अगली वीडियो में इसे बनाया सिखाया था आप लोगों को। ये क्या है भाई? शायद कुछ है। ओ ये पोटेंशियोमीटर है फ्रेंड्स, 1 किलो ओम का। आपको रिपेयरिंग सेंटर जाना है, 1 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर आपको खरीद के लाना है। हमारे यहाँ तो मुझे सिर्फ 15 रुपया मिला, आपके यहाँ 20 रुपया में 10 रुपया में भी मिल सकता है। एक बार दुकानदार आपको पहचानता है तो वो कम रुपया में ही आपको दे देगा। देखिए हम यहाँ पे फिट करेंगे उसे। इसमें एक्चुअली फीचर्स क्या लगाएंगे नया वाला? कुछ तो लगाएंगे ना, बाकी सब कुछ तो सेम है। मैं इसमें फीचर्स क्या देंगे? लास्ट तक बनी रहिए फ्रेंड्स, वीडियो को छोड़कर मत जाना। मैं एक बार जब कह दिया फ्रेंड्स जेन्युइन वीडियो मतलब जेन्युइन वीडियो, अब इसे डीजे में भी यूज कर सकते हो। हमारे गाँव में जब प्रोसेशन होता है फ्रेंड, गणेश विसर्जन, हम इसमें लगा कर करते हैं। दोनों तरफ एक एक मोबाइल हम लगा देते हैं और यूट्यूब से साउंड चलाते हैं। देखिए मैं इसकी कनेक्शन हटा दिया। जो एक साइड का कनेक्शन था मैंने उसे हटा दिया। पहले से होल्ड कर लेते हैं। जहाँ पे आपको सुविधा होती है फ्रेंड्स आप वहाँ से इसे होल्ड कर लीजिए। देखिए पहले हम इस 1 किलो ओम का प्रीसेट को हम पहले सेट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। उसकी नट साथ में आती है फ्रेंड्स, हम इसे अच्छी तरीके से लगा देंगे। उसके बाद हम इसे भी लगा देंगे अच्छी तरीके से। आपको जहाँ सुविधा लगती है आप वहीं पर लगाइए। मेरे पास, मैं जब वो बॉक्स पे बनाकर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये एक जिंक टीवी का सेटअप बॉक्स है, मैं उसमें फिटिंग कर रहा हूँ। आपके पास कोई भी स्क्वायर का बोर्ड हो, आप जिसमें सुविधा लगती है वही भी आप लगाइए। बहुत इजी है फ्रेंड्स और बनाना भी आपको कोई नहीं बता। देखिए कितनी सर दे दिया हूँ इसमें, आराम से देख सकते। देखिए मैंने एक तार को लेफ्ट साइड में यूज किया, दूसरे तार को राइट साइड पे यूज किया। आपको ऐसे ऐसे तो तार लेना है, आपको तो पता होता है एक लेफ्ट चैनल का एक राइट चैनल का दोनों तार आपको लेना है। तो लेफ्ट चैनल में क्या होता है, एक ग्राउंड होता है। देखिए मैंने ग्राउंड को जोड़ दिया, ग्राउंड भी उसमें पहुँचा दो तार। देखिए एक रेड वॉच और एक ब्लैक वॉच, तो हम इसे रेड को क्या करेंगे फ्रेंड्स, रेड को हम क्या करेंगे, रेड को एक चैनल पे यूज करेंगे और जो ब्लैक वाला है हम इसे और एक चैनल पे यूज करेंगे। तो रेड को मैंने लगा दिया उसमें। देखिए इनपुट दिया जो हम मिक्सिंग करेंगे रेड चैनल में। अब मेरे पास सिर्फ लेफ्ट चैनल बाकी रहेगा, हम क्या करेंगे वो लेफ्ट चैनल को उठाएंगे और हमने जो ये पोटेंशियोमीटर दो लगाया था फ्रेंड्स वही पे एक चैनल को हम लगा देंगे। आपको तो पता होता है ग्राउंड हमेशा हर चीज़ के लिए कॉमन होता है। देखिए आपको इतना तो अंदाजा, आप सर्किट डायग्राम से ही समझो फ्रेंड्स, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। हर ईयरफोन में 3 तार होता है, देखिए ये एक साइड का ये दूसरे साइड का। पहले वाले में जैसा कनेक्शन था फ्रेंड वैसा ही है, सिर्फ इसमें एक चीज़ हुआ है कि जो उस वीडियो में जो आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा उस वीडियो में एक तार को हमने छोड़ दिया था, वही छोड़ा हुआ वायर को हमने इस अभी जो फिटिंग किया 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस उसमें हम इनपुट देंगे।
ग्राउंड तो कॉमन होता है, आपको पता है। सिर्फ इतना तामझाम है कि वो जो हम छोड़ा हुआ तार हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। देखिए वो जो काला वाला तार हमने छोड़ दिया था उसे हम इसमें लगा देंगे, बस इतना ही है। अब कंफ्यूज मत होना, सर्किट डायग्राम को अच्छी तरीके से देखना फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा। हमें इसमें फीचर्स क्या लगाने वाले कि हमें इसमें हेडफोन का कनेक्शन करने वाले हैं कि आप जब प्ले करोगे तो लेफ्ट साइड में कौन सी एक सॉन्ग चल रहा है आप लोगों को पहले से सुनाई देगा, अब मिक्सिंग करने में अच्छा होगा। मैंने सोचा कि यही फीचर्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, तो अच्छी काम करती है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रहे तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो जेन्युइन चीज़ होती है, ना कि कोई फेक वीडियो। हर चीज़ को आप सर्किट डायग्राम से ही समझने की कोशिश करो फ्रेंड्स, उसमें बहुत आसान हो जाती है। देखिए ऑडियो सॉकेट है, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा जो हेडफोन है ना लेफ्ट राइट का दोनों कानों का इसमें लगाने वाला हूँ। तो आप लोगों को भी इसे जहाँ सुविधा होते हैं आप वहाँ पे लगा लीजिए, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसकी सब आगे की तरफ होगी। क्या होगी कि जब आगे की तरफ लगाएंगे तो हम सेफ्टी रख पाएंगे और पीछे की तरफ लगाएंगे थोड़ा सा दिक्कत करेगी फ्रेंड्स। जब हम मिक्सिंग करेंगे हर बार तरफ में कोई टूट ना जाए। देखिए मैंने इसे लगा दिया, ग्लू मैंने चिपकाया हूँ, आप भी ग्लू चिपका सकते हो, अच्छी काम करती है। प्लास्टिक पे ग्लू आराम से चिपक जाती है फ्रेंड, कभी छूटता भी नहीं है। देखिए ये मैंने लगा दिया, 100% जेन्युइन वीडियो है फ्रेंड्स, आप आराम से घर पे बनाओ। देखो फ्रेंड्स यही है सर्किट डायग्राम। आराम से आप बना सकते हो फ्रेंड्स। मैंने इसीलिए वो दो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया हूँ, वो हम ईयरफोन के लिए यूज करेंगे, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। हम जब लेफ्ट वाला को हम देखिए यह मिले ऑडियो सॉकेट में जाएगी, वो पोटेंशियोमीटर से बाहर निकलेगी और कहाँ जाएगी, वो ऑडियो सॉकेट में जाएगी। एक लेफ्ट के लिए जाएगी लेफ्ट ईयरफोन के लिए और एक राइट ईयरफोन के लिए जाएगी कानों के लिए फ्रेंड्स। बहुत ईजी है फ्रेंड बनाना, बहुत बहुत ईजी है। आपको वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत करेगा लेकिन आप सर्किट डायग्राम से ही समझो फ्रेंड्स। देखिए एक राइट चैनल के लिए जाएगा जो हमारी बाएं की तरफ है और एक लेफ्ट की जो राइट की तरफ है उस दोनों कानों के लिए एक एक हो जाएगा। मैं बनाना का मकसद यही है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को कि आप जब राइट चैनल में सॉन्ग प्ले करते हो तो लेफ्ट चैनल का आप लोगों को पता चल जाए कि लेफ्ट चैनल का सॉन्ग कितने दूर पे बज रहा है और ट्रैक उसका कितना दूर पे है जो आप मिक्सिंग कर सकते हो, माने आपको पता लग जाएगी इस सॉन्ग कितने दूर आया है बजने के लिए। आप इसी से मिक्सिंग करोगे बहुत बेहतरीन मज़ा आती है फ्रेंड्स। मैं खुद करता हूँ इसीलिए मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ना कि मैं किसी का वीडियो देखा हो आप लोगों को बताया। और एक सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, देखिए पहले वाले जैसे कनेक्शन किया वैसे कनेक्शन ही होगा, कुछ उलट पलट नहीं होगा। देखिए ये हो गया कनेक्शन, पोटेंशियोमीटर में इनपुट दिया और पोटेंशियोमीटर से आउटपुट लेकर सॉकेट में दे दिया। देखिए Here we go.
I'm going to get the money.